दोस्तों इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि आप लोग घर बैठे बैठे पैन कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ज्यादातर पैन कार्ड दो ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोवाइड करता है पब्लिक को, जैसे कि फर्स्ट तो हो गया यूटीआई और सेकंड हो गया एनएसडीएल। तो ये दोनों तरीका आप लोगों को मैं बताऊंगा कि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन की पैन कार्ड आप घर बैठे बैठे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों लोग तो आपको बताते होंगे कि एनएसडीएल की पैन कार्ड आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन की पैन कार्ड आप घर बैठे बैठे बिल्कुल फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप पैन कार्ड सच में डाउनलोड करना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए, तो भी जाके आप लोग घर बैठे बैठे पैन कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसे डाउनलोड करना है आइए देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है कि कोई भी एक ब्राउजर ओपन करना है, जैसे कि मैंने क्रोम ब्राउजर ओपन किया है। सर्च बार में आपको टाइप करना है www.incometax.gov.in। इस लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैं दे दूंगा, आप इस लिंक के थ्रू इस पोर्टल पर आ सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ टाइप करता हूँ incometax.gov.in, इसके बाद सर्च करना है। सर्च करने के बाद देखिए लेटेस्ट अपडेट यहाँ आप देख सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगी उसके बाद देखिए क्विक लिंक्स और नीचे आपको आ रहा है, यहाँ देखिए वेरीफाई रिटर्न आप देख सकते हो, पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक डेटास यहाँ आप देख सकते हो। इसके बाद देखिए लिंक आधार, यानी कि अगर पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों आप लिंक करना चाहते हो तो यहीं से आप लिंक कर सकते हो। इसके बाद पैन कार्ड जो है ये वेरीफाइड है या अनवेरीफाइड है आप यहीं से चेक कर सकते हो। इसके बाद ई पे टैक्स, ये तो हमारे लिए नहीं है। इसके बाद एक ऑप्शन देखिए नीचे इंस्टेंट ई पेन, तो आप क्या करना है कि इंस्टेंट ई पेन ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगी, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह आपके सामने ओपन होगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगी तो यहाँ आप देख सकते हो कि इजी एंड पेपरलेस प्रोसेस। उसके बाद देखिए होल्ड सेम वैल्यू एज फिजिकल पैन कार्ड, यानी कि फिजिकल पैन कार्ड और ई पैन कार्ड जो है वैल्यू सेम है। इसके बाद देखिए अलाउ यू नीड इज आधार कार्ड एंड लिंक मोबाइल नंबर, तो ये तीनों चीज़ मौजूद होना चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन अगर आप करोगी तो करने के बाद देखिए गेट न्यू ई पैन कार्ड। अगर आप एक नया पैन कार्ड बनाना चाहते हो तो गेट न्यू ई पैन पर क्लिक करके आप एक नया पैन कार्ड बना सकते हो। अगर आप सिंपली पैन कार्ड डाउनलोड करना चाहते हो तो नीचे एक ऑप्शन देखिए चेक डेटास एंड पैन डाउनलोड डाउनलोड पैन, तो नीचे एक ऑप्शन देखिए कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए तीन स्टेप आपको कंप्लीट करना है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो। सबसे पहले तो अपना आधार नंबर इस बॉक्स पर फिलअप करना है, इसके बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड में लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो ओटीपी फिलअप करना है। दोस्तों ओटीपी फिलअप करने के बाद नीचे एक ऑप्शन देखिए कंटिन्यू बटन है, कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद देखिए पेन अलाउड सक्सेसफुली और नीचे देखिए पेन अलाउड सक्सेसफुली रिक्वेस्ट फॉर न्यू ई पेन अलाउड सबमिटेड। उसके बाद क्या करना है कि थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ देखिए कुछ प्लीज नोट द ई पेन PDF is password protected, enter your date of birth in the format जैसे कि DDMMYY to open, example your date of birth 30 September 1981, enter password। उसके बाद ये पैन कार्ड जो है आप ओपन कर सकते हो। ये पैन कार्ड जो है मतलब डाउनलोड तो कंप्लीट हो चुका है लेकिन अभी भी थोड़ा बाकी है। जैसे कि अगर आप पैन कार्ड मतलब डाउनलोड नहीं करना चाहते हो, आप पैन कार्ड सिर्फ देखना चाहते हो, तो ये ऊपर देखिए दो ऑप्शन देखने को मिलता है। फर्स्ट जो ऑप्शन है व्यू पैन और उसके बाद देखिए डाउनलोड ई पैन, तो आप क्या करना है कि डाउनलोड ई पैन पर क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड ई पैन पर क्लिक करोगे उसके बाद देखिए PDF ओपन करने के लिए कहा जा रहा है, तो PDF मैं चूज़ करता हूँ। PDF चूज़ करने के बाद देखिए पासवर्ड आ चुका है, तो पासवर्ड आपको फिलअप करना है। जो पासवर्ड होता है कि जो पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ होगा वही पासवर्ड आपको, वही डेट ऑफ बर्थ आपको फिलअप करना है। इसके बाद ओके पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले तो मैं पासवर्ड यहाँ फिलअप करता हूँ।
दोस्तों जैसे मैंने पासवर्ड फिलअप किया है, पासवर्ड फिलअप करने के बाद पैन कार्ड आप देख सकते हो मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो ये पैन कार्ड जो है आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये फिजिकल एंड वर्चुअल जो पैन कार्ड होता है ये दोनों अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। अभी दोस्तों बात करते हैं कि UTI का पैन कार्ड आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए तो आपको एक न्यू ब्राउज़र ओपन करना है। जैसे कि मैं एक न्यू ब्राउज़र जो है ओपन करता हूँ। न्यू ब्राउज़र ओपन करने के लिए देखिए बैक करता हूँ, और बैक करने के बाद यहाँ मतलब एक न्यू ब्राउज़र ओपन करता हूँ। सर्च बार में आपको टाइप करना है UTI, इसके बाद PAN पैन डाउनलोड, UTI पैन कार्ड डाउनलोड। जैसे आप टाइप करोगे, टाइप करने के बाद देखिए फैसिलिटी फॉर डाउनलोड ऑफ ई पैन कार्ड UTI IDSL, तो फर्स्ट जो लिंक है फर्स्ट लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह आपके सामने ओपन होगा, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो। उसके बाद देखिए ये UTI की लोगो है, और यहाँ पैन कार्ड डाउनलोड करने की जो फैसिलिटी है दिया जा रहा है। सबसे टॉप पर देखिए फैसिलिटी फॉर डाउनलोड ऑफ ई पैन कार्ड। तो पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए? सबसे पहले तो पैन नंबर होना चाहिए, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, इसके बाद ये जो कैप्चर कोड है इस बॉक्स पर फिलअप करना है, इसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। चलिए दोस्तों मैं करता हूँ सबमिट पर क्लिक, ये सारी चीज़ फिल करके। तो दोस्तों जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे, सबमिट पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो पैन कार्ड नंबर की आप थोड़ा बहुत देख सकते हो, पहला जो है देखिए और लास्ट का देखिए। उसके बाद देखिए यहाँ ईमेल ID, अगर पैन कार्ड में लिंक है तो आप ईमेल ID देख सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है कि देखिए ये जो कैप्चर कोड है इस बॉक्स पर फिलअप करना है, इस बॉक्स पर टिक मार्क करना है, इसके बाद गेट OTP पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों पैन कार्ड के साथ जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा या ईमेल ID होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो एंटर OTP। तो मैं OTP जो है यहाँ फिलअप करूँगा, जैसे कि 751330। OTP फिलअप करने के बाद नीचे एक ऑप्शन देखिए सबमिट, तो सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह आपके सामने ओपन होगा। देखिए ये सारी चीज़ मतलब यहाँ शो हो रहा है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि नीचे देखिए नोट द पासवर्ड टू ओपन द ई पैन कार्ड PDF विल योर डेट ऑफ बर्थ डेट, देखिए क्या यानी कि डेट ऑफ बर्थ के थ्रू आपको पासवर्ड जो है ये पासवर्ड अनलॉक करना है, उसके बाद आप पैन कार्ड जो है यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मोड ऑफ एप्लीकेशन जो है ई पैन डाउनलोड, जैसे कि आप देख सकते हो। तो आपको क्या करना है कि यहाँ आप देख सकते हो, तो उसके लिए तो डाउनलोड करने के लिए ये प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है। अभी दोस्तों आपकी पैन कार्ड में जो भी ईमेल ID रजिस्टर्ड होगा उस पर एक मतलब लिंक भेजा जाएगा, तो जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगी, लिंक पर क्लिक करने के बाद आप उस पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि मैं ईमेल ID जो है ओपन करूँगा, और ईमेल ID ओपन करने के बाद आप ये चीज़ देख सकते हो। सबसे पहले तो देखिए UTI की जो पैन साइट है यहाँ देखिए एक लिंक सेंड किया गया है, यहाँ आप देख सकते हो। तो आप क्या करना है कि उस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ आप देखिए कि यहाँ आपको मतलब फिर से ये डिटेल्स फिलअप करना है, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप पैन कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो आज के लिए इतना ही है।